Yes, my dear students, good morning to all of you, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. And today we will resume our question answers of NCERT, and some question answer I had given to you in a homework, and उसमें से जिसके भी रिप्लाई आए मेरे पास बेटा सबने बहुत अच्छे से किया क्वेश्चन. आई एम हैप्पी एंड कीप इट अप बेटा, वेरी गुड, यू आर डूइंग बेस्ट. यस, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. सो नाउ क्वेश्चन नंबर आई लेट यू नो वेट स्टूडेंट्स. यस, वी वर डूइंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन. यस, वी वर डूइंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. In text question, and today we will start some numerical type questions and some with some tricks. Okay students, so first question है आज का हमारा, and up to हम कहाँ तक कर चुके थे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ. Our last question was, if action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. तो horse अपने cart को कैसे pull करता है? ये बेटा मैंने तुम्हें बहुत deeply अच्छे से समझा दिया था. अगर किसी को फिर भी doubt है तो video देख सकते हैं दोबारा से. फिर भी doubt रह जाता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? Don't panic, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे से करना, okay? ठीक है students, now very important question. Next question एक critical question अभी हमारा remaining है. हाँ, उसके बाद numerical है, definitely. Okay students, explain, in text question read करेंगे सभी बच्चे. Explain why is it difficult for a fireman to hold a hose pipe which ejects large amount of water at a high velocity. देखिए, जो फायर ब्रिगेड होता है, फायर ब्रिगेड में जो पाइप होती है जिससे वाटर को स्प्रे किया जाता है उसको होस पाइप बोलते हैं, जो काफी ज्यादा थिकनेस की होती है, बहुत मोटी पाइप होती है, और जो वाटर है उसमें हाई वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है. अब हमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता है कि अगर वाटर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होगा डेफिनेटली उसका एक बैकवर्ड फोर्स होगा जो हमें पीछे की तरफ धक्का मारेगा, क्योंकि मोटर जो पंप है, पंप पानी को आगे की तरफ धक्का मारेगी और पानी पीछे की तरफ धक्का मारेगा. तो जो फायरमैन होते हैं फायर ब्रिगेड पे, वो होस पाइप को होल्ड करने के लिए उनको डिफिकल्टी होती है. ठीक है, क्यों डिफिकल्टी होती है? क्योंकि वाटर उनको रिवर्स पुश करके जाता है, बहुत हाई स्पीड के साथ वो पुश करता है. तो कई बार जब हाई स्पीड के साथ वाटर रिजेक्ट हो रहा होता है, काफी नंबर ऑफ स्टोरीज पे, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स पे हमें उस वाटर को पहुंचाना पड़ता है. तो तुमने कभी देखा होगा कि दो दो तीन तीन फायरमैन एक होस पाइप को होल्ड करते हैं. इसीलिए कि क्यों वो होस पाइप को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्यों मुश्किल हो जाता है? ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आता है पेपर में. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कह रहा है कि अगर वाटर उसमें से इजेक्ट होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, वो भी पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन. तुमने वाटर स्प्रिंकलर देखा होगा किसी किसी गार्डन में, क्या होता है, एक वाटर स्प्रिंकलर लगा होता है, अपने आप ऐसे 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 रोटेट होता रहता है और वाटर को भी सारी डायरेक्शन में स्प्रेड करता रहता है. ठीक है, देखा वाटर स्प्रिंकलर वो भी कैसे वर्क करता है? वो भी न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क करता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइक दिस ऐसे ट्रायंगल एक शेप बनी होती है, लाइक दिस इस शेप में वो रहता है वाटर स्प्रिंकलर. ठीक है, अब यहाँ होल्स है, जब वाटर निकलेगा तो बेटा इसको क्या, ये पीछे जो ये लगा हुआ है एक फ्री एंड होता है जिसपे ये इजिली रोटेट होता है. जब वाटर इनमें से निकलता है इन होल्स में से तो पीछे की तरफ धक्का मार के जाता है जिसके कारण ये ऐसे 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 रोटेट हो जाता है. तो कहने का मतलब ये भी वाटर स्प्रिंकलर भी कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पर इसको डिजाइन किया गया है, तो आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ. एक्शन एंड रिएक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो करें अब आगे. तो अब इसका होस पाइप का आंसर तो तुम्हें मिल गया बेटा. हाँ, नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम सबके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, हेल्प बुक्स हैं. ठीक है, तो थ्योरेटिक फिर भी अगर नहीं भी है तब भी पैनिक नहीं होना, मैं तुम्हें लिंक में सारे सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा. जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको मैं डिक्टेट करता हूँ, टाइम वेस्ट होता है. तो बेटा मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझा दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट डिक्टेट करके लिखवाऊंगा नहीं, वो तुम लिंक में जाके डाउनलोड करके देख सकते हो, वहां से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो जिसके पास हेल्प बुक नहीं है. तो
ओके तो अब ये मैंने तुम्हें हाउसवाइफ वाला समझा दिया, तो इसको लिखने के लिए तुम्हें लिंक मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा तुम्हें, तो वहां पे लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक डाउनलोड करो, आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हमारा न्यूमेरिकल है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल, बहुत स्पेसिफिक न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल से पहले तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, बार बार पॉइंट अब हमारे न्यूटन थर्ड लॉ के आ रहे हैं, वो पॉइंट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे उसका एक स्पेशल नेम होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है, जब हम बुलेट को शूट करते हैं फ्रॉम द गन, तो जो गन है बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हिट करती है हमें, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो डेड में हमें चोट लग सकती है, तो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है, बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, उसको ही बेटा हम रिकॉइल बोलते हैं, रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग का मतलब होता है बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो बेटा रिकॉइलिंग ऑफ गन के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। हाँ, इसमें मैं तुम्हें इसमें साइंस कहाँ पे यूज होती है वो भी तुम्हें बता दूं एक बार, क्यों मैं बताने चाहता हूँ ये तुम्हें, क्यों समझाना चाहता हूँ, क्यों कभी भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कुछ कंसेप्ट्स हैं जो लीड कर सकते हैं हमारे, तो बेटा इसमें समझो। रिकॉइलिंग ऑफ गन में हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ पे कैसे काम कर जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ। अब बुलेट का जो मास है बेटा, देखो बुलेट का जो मास है, एक मास है गन का और एक मास होगा बुलेट का। बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो कुछ मोमेंटम आएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये मुझे समझ आता है, दैट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट। लेकिन मुझे ये भी समझ आता है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, तो उतना ही मोमेंटम मेरी गन के पास भी होगा, मोमेंटम ऑफ गन भी होगा। तो मोमेंटम ऑफ गन की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, इन दोनों का ये जी है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो मोमेंटम ऑफ गन मिलेगा, ठीक है। क्यों, गन का मास है कुछ और गन की वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, गन के रिकॉइल पीछे की तरफ आई है ना गन, तो उसकी भी वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम मिल जाता है। बुलेट का भी मास है, बुलेट की भी वेलोसिटी है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंटम मिल जाएगा, और दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सिंगल सिस्टम है, एक ही सिस्टम है गन और बुलेट को मिलाकर, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, एक गन है यहाँ पर, एक है गन और दूसरा ऑब्जेक्ट है बुलेट, तो ये सिस्टम बन गया गन प्लस बुलेट को मिला के, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट का सिस्टम नहीं बनता ना, तो यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट है, एक गन और एक बुलेट है, तो दोनों के मोमेंटम बेटा कंजर्व होंगे। अब फिर भी हमें देखो, अगर बुलेट किसी में लगती है जाके तो वो इंसान मर सकता है, लेकिन जब गन है जो पीछे की तरफ आती है तो हमें इतनी चोट नहीं लगती कि मर जाए, वो बियरेबल होती है। क्यों बियरेबल हो जाती है, क्योंकि हम उस गन की वेलोसिटी को बहुत कम कर देते हैं। अगर वो गन बुलेट की वेलोसिटी से पीछे आएगी तो डेफिनेटली वो हमारे अंदर चली जाएगी पल्स करके, तो डेट मीन्स जो वेलोसिटी है गन की वो कम कर दो, बट हम जानते हैं कि मोमेंटम को तुम कम नहीं कर सकते, मोमेंटम सेम रहेगा, जितना बुलेट का मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम गन का भी होगा। फिर हम कम कैसे करें गन की वेलोसिटी, हम क्या करते हैं गन को बहुत हैवी बना देते हैं, मास ज्यादा कर देते हैं, वेलोसिटी कम हो जाती है। हमें तो आंसर सेम चाहिए ना, मान लो मेरा आंसर आएगा 100, वो 100 आंसर कैसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो 100 आंसर आते हैं, मास है उसके पास फॉर एग्जांपल 20, ठीक है, और ये है ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो से 10 × 10 दोनों सेम है, फिर मैं क्या करता हूँ मास को ज्यादा कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, फिर ये अपने आप वन हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो 100 ही आएगा ना। तो यही बेटा एक टेक्निक है, यही एक साइंस है रिकॉइलिंग ऑफ गन को कम करने का, क्या मेथड है कि बुलेट का तो मास कम होता ही है इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, बट अगर उतनी ही वेलोसिटी से गन पीछे आएगी तो हम भी मर जाएंगे, जो शूट कर रहा है वो भी डेड हो जाएगा। तो हम उसकी वेलोसिटी को, रिकॉइलिंग वेलोसिटी को कम करने के लिए हम गन का मास बहुत इंक्रीज कर देते हैं,
हैवी बनाते हैं, गन का जो बॉटम होता है, जो हैंडल होता है, बहुत हैवी होता है, ठीक है, होल्ड कर ऊपर से उसको और हैवी कैसे किया जाता है, यहाँ पे रखते हैं, शोल्डर पे रखते हैं, शोल्डर पे रख के शूटिंग करते हैं, क्यों, गन का मास प्लस हमारे शोल्डर का मास, इसका और मास बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी का इफेक्ट और कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बेटा, मास इंक्रीज करना ही एक टेक्निक है वेलोसिटी कम करना, रिकॉइलिंग ऑफ गन का इफेक्ट कम करना, ठीक है। आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा, नहीं तो एक बार बेटा थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन फिर भी हम बच जाते हैं, फिर भी हमें चोट नहीं लगती जो शूट कर रहे होते हैं। क्यों शूटर को चोट नहीं लगती, क्योंकि गन का मास ज्यादा होता है, समझो इस फंडा को, इस टेक्निक को समझो, ठीक है। चलिए रिकॉइलिंग ऑफ गन का मैकेनिकल करते हैं, हरि ओम। Yes, now. Numerical है बेटा हमारा, second last numerical है index question का, फिर एक last question रह जाएगा उसके बाद हमारा index में, okay? Yes, now. From a rectal of mass, बेटा मैं given data लिख देता हूँ यहाँ पे, given data लिखना बहुत जरूरी है, number मिलेंगे। rectal of mass उसको मैं ले लेता हूँ m, जी लिख लेता हूँ, गन मैंने राइट पर लिखा, हम गन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना है गन का मास, 4 kg, kg को चेंज नहीं करना, ऐसा यूनिट है ऑलरेडी। बुलेट का मास तो mb लिख लेते हैं, वो है 50 ग्राम, 50 ग्राम को kg बनाना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 0.05 kg, ओके। चलिए हाँ, और क्या गिवन है इसमें, 50 ग्राम फायर विद इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी जो है बुलेट की, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड, पर तुम देख रहे हो कि मैंने v से लिखा है, इनिशियल नहीं लिखा, क्योंकि मैं इसके u को क्या लिखूंगा, 0। ये टेक्निक है, जिसने ये टेक्निक इसकी फॉलो कर ली उसका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज कर देगा इसका। तो मैं इनिशियल वर्ड लगाकर, लेकिन अपना दिमाग लगाकर सोचो, इनिशियली तो गन भी और बुलेट भी, जो बुलेट गन के अंदर है वो भी और गन भी, दोनों रेस्ट में है, ठीक है। अभी तो ना बुलेट गई है, ना गन पीछे आई है, ना बुलेट बाहर की तरफ थ्रो हुई है, तो डेट मीन शूट भी नहीं हुई, तो डेट मीन इनिशियली तुम्हारा सिस्टम बेटा जीरो पर है। डोंट कंफ्यूज थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है। तुम अपने माइंड को यूज करो कि राइफल वाले क्वेश्चंस में, रिकॉइलिंग ऑफ गन वाले क्वेश्चंस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट जीरो लेनी है, जो भी वेलोसिटी दी हुई है उसको फाइनल मानकर चलो, चाहे उसके आगे इनिशियल वर्ड ही क्यों ना लिखा, बस दैट इज अ ट्रिक, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें इसमें जीरो माननी पड़ेगी, और आगे हमें करना क्या है फिर इसमें, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, और कहते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी राइफल की, रिकॉइलिंग वेलोसिटी हमें बताओ। तो राइफल की रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालने का क्या मेथड है ये अब हमें देखना है, ठीक है। तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की भी जीरो मान के चलेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हम अपनी गन की भी जीरो मान के चलेंगे, और वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब है बेटा रिकॉइल वेलोसिटी, क्योंकि गन के पास तो कौन सी वेलोसिटी है, रिकॉइल, वो तो पीछे की तरफ आएगी ना, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, ओके। रिकॉइल वेलोसिटी vg, ये तो हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी गन की भी और बुलेट की भी है सेम, इनिशियली जीरो होंगी, तो इसको बेटा ध्यान रखना, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में होती है, ओके। तो बस यही ट्रिक है बेटा। उसके बाद बेटा फॉर्मूला, कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला याद करो, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ पहले तुम्हें बताने के लिए, फॉर्मूला यूज, जो इसके अंदर हमें फॉर्मूला यूज करना है वो क्या होगा, तो वो कंजर्वेशन का होता है ना, m1v1 + m2v2 = m1u1 + m2u। इसमें 1, 2 है, अब यहाँ पर हमने g और b ले रखा है, गन और बुलेट।
तो मास ऑफ गन तो फाइनल वी है ना, इनिशियल तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब जरूरी नहीं है मैंने इसको पहले गन लिख दिया तो तुम भी गन लिखोगे, चाहे बुलेट लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब बेटा ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन तो जीरो है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे mg को जीरो के साथ और इधर mb को जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी तुम्हारी जीरो। रह जाएगी ये वाली टर्म मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये रह जाएगा। वेलोसिटी ऑफ गन निकालना तुम्हारा टारगेट है तो वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा क्या बेटा, एक सेकंड में कैमरा सेट कर दूं कहीं तुम्हें दिख ना रहा हो। Yes. Velocity of gun कैसे आ जाएगा यहाँ पे? Velocity of gun आ जाएगा बेटा minus mb vb divided by mg। अब देखना है सारा कुछ given है और देखो बेटा negative आया, negative sign indicate, यहाँ पर मैं बता देता हूँ negative sign indicates बैकवर्ड वेलोसिटी, ठीक है, बैकवर्ड वेलोसिटी दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। ओके तो बेटा देखो मास ऑफ बुलेट है हमारे पास ये रहा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये रहा और एमजी मास ऑफ गन ये रहा, सारा को पुट करो आंसर आ जाएगा। आंसर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कितना आएगा तुम्हारा, इसमें आंसर आएगा बेटा, इसको बेटा सारा मत सॉल्व करना, बस इसके पीछे ना मीटर पर सेकंड लगा देना क्योंकि आंसर तो काफी इसका लेंथ ही आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड लगा देंगे क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट लगा देंगे, वैल्यूज पुट कर देना, जितना कटिंग हो सकती है करना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कटिंग में, ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी था, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये ट्रिक समझ आ गई होगी, इसके अंदर ये कंफ्यूज कर दिया बच्चों, अब तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो बता सकते हो, गुड, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यही वाला फॉर्मूला उसमें लगेगा और मैंने वो तुम्हें होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और तुमने वो क्वेश्चन किया भी है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा कि तुमने वो क्वेश्चन किया अपनी तरफ से। और एक मैंने तुम्हें होमवर्क में और भी क्वेश्चन दिया था, तुम्हें याद होगा वो था क्वेश्चन नंबर 11 या 12, हां 11th क्वेश्चन था, ठीक है तो अगर आप कहते हैं तो इसको मैं ही यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ओके ये स्टूडेंट्स बेटा दिस इज द लास्ट इंडेक्स्ड क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज द लास्ट इंडेक्स्ड क्वेश्चन गिवन है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं तुम साथ साथ देखते चले जाओगे। क्वेश्चन में बेटा उन्होंने कह रखा है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, तो मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट सेकंड, 100 ग्राम 200 ग्राम चेंज कर दिया केजी में, क्योंकि ग्राम दिया हुआ तो ग्राम ऐसे यूनिट नहीं होता, तो हमने केजी बना दिया ऐसे यूनिट के, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार ऐसे यूनिट की बातें बता चुका हूं कि लेंथ को लेना होता है हमेशा मीटर में, ठीक है, जो मास होता है मास को हमेशा केजी लेना होता है, टाइम को हमेशा सेकंड लेना होता है, ठीक है, ये ऐसे यूनिट्स होते हैं हमारे। ओके तो तीन यूनिट याद कर लेना, लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। जैसे ये मास है तो ग्राम नहीं केजी में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। ओके तो ये तो मास का हो गया, फिर उसके आगे उन्होंने क्या रखा है, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। अब बात में ये करता हूं कि सेम लाइन स्ट्रेट लाइन में मोशन बहुत जरूरी है, कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करा
क्यों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या ये पॉइंट इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि बेटा जो फॉर्मूला है जो तुमने कंजर्वेशन पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, तुमने पढ़ रखा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो देखो लिखा हुआ है ना मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद द वेलोसिटीज ऑफ, तो वेलोसिटी दी हुई है 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, तो मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 2 है, सेकंड ऑब्जेक्ट की 1 है, ठीक है, दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी मतलब कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की v1 की वो दी हुई है 1.67, और डिटरमाइन करनी है आफ्टर कोलिजन के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी हो जाती है। तो ठीक है, फार्मूला यूज हमें पता है m1 वाला, ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो ये v2 हमने निकालना था, इन सारों को इधर लेकर आया, फिर इस 5 को इस सब के साथ ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ बड़ी ब्रैकेट लगा के मीटर पर सेकंड लिख दिया। सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर जाएगा 1.17 मीटर पर सेकंड, नहीं तो यहीं छोड़ देना, यूनिट लगा देना, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों मेथड्स दिखाए हैं। ओके, तो इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी मैं तुम्हें करवा देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स का वो सॉल्व नहीं हुआ वो देख लें, उसमें थोड़ी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है वो क्वेश्चन, थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और वो पेपर में भी काफी आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन को। ये सबको क्लियर हो गया, आई होप कि सबको क्लियर होगा और ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट थी और इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सॉरी फॉर्मूला तो यही यूज होना था, चलिए इसी को हम कर देंगे, ठीक है, चलो देखें क्वेश्चन को रीड करें, मैंने M1 M2 जान के छोड़ दिया, कि हर क्वेश्चन में कोई बातें होती हैं, दो ही ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 केजी आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, फिर से वही बात आ रही है सेम स्ट्रेट लाइन, बट एक पॉइंट लिख दिया उन्होंने, सेम लाइन में तो आ रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कैसे हो गया, मतलब एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, आमने सामने की टक्कर हो रही है, ठीक है, बट है लाइन स्ट्रेट, ये जरूरी है कि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, वेलोसिटी नेगेटिव ले लेना किसी एक की, गॉट इट, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास, अब बेटा इन्होंने दोनों का मास सेम दिया, पहली बात तो ये है, ध्यान देना इस चीज पर, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना, क्योंकि ये एक नॉर्मल पॉइंट है जो तुम ऐसे ही समझ जाओगे, जब दोनों सेम मास के, मतलब जिनका भार सेम हो, जब दो सेम भार की ऑब्जेक्ट, सेम मास के ऑब्जेक्ट आमने सामने आके टकराएंगे, तो उनके टकराने के बाद वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, ना तो वो इसको धक्का मार पाएगा ना वो इसको धक्का मार पाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मास सेम था, जितना फोर्स इसने लगाया इस पे उतना ही इसने भी लगा दिया, दोनों का मास सेम था, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, और वो दोनों का जो मास है अगर सेम है तो उनका जो वेलोसिटी है अब वो सेपरेट नहीं होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये इसका एक पॉइंट रहता है अगर मास सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाए, ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा इसमें मास कितना दिया हुआ था, एक बार लिखते चले जाते हैं, क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा, 1.5 केजी, ये भी 1.5 था तो ये भी 1.5 था, देखो दोनों का सेम मास है लेकिन आ रहे आमने सामने, तो आर मूविंग इन द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ये लो वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, अब तो टक्कर लगने के बाद वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, मतलब दो सेम ऑब्जेक्ट के मास सेम वेलोसिटी से आएंगे और टकराएंगे, तो ना तो वो उसको धक्का मार पाएगा ना वो उसको धक्का मार पाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया, सॉल्व करना इसको, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, अब मैं आंखें बंद करके इसको जीरो लिख सकता हूं वैसे, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग व्हिच दे स्टिक टुगेदर एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, अब मुझे तो बेटा दिख रहा है कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है, और वो कहते हैं कि कोलिजन जब होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट आ रहे हैं, सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं रहेगी, हां अगर मास सेम होता है तो वो एक दूसरे के साथ लग तो जाते हैं,
लेकिन क्या होता है कि वेलोसिटी कई बार डिफरेंट होती है, तो कोई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है वो उस ऑब्जेक्ट को ले जाता है अपने साथ पकड़ के, ठीक है ना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अब इसके बेटा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एक कार आ रही है सामने से, ठीक है, कार आ रही है, तो सामने से कोई और व्हीकल आ रहा है जिसकी वेलोसिटी कम है, मास चाहे दोनों का कम हो या ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। अब हैवी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रोक लेगा और अपने साथ ऐसे घसीटता हुआ लेता चला जाएगा। तो डेट मीन्स ये कार और बाइक दोनों आपस में जुड़ गए हैं, अब कार वाला बाइक को घसीटता हुआ जा रहा है, ठीक है। मतलब कार वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, उसका मोमेंटम ज्यादा था, जिसका मोमेंटम कम था वो उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों के मास सेम होंगे, तो ना तो वो उसको धक्का मार पाएगा ना वो उसको धक्का मार पाएगा। तो ये वाला केस तुम्हारे सामने है, सेम मास सेम वेलोसिटी। आंखें बंद करके यहाँ पे जीरो लिख सकते हो, प्रूफ करेंगे अभी कि वो जीरो आता है या नहीं आता वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, एम वन वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, तो जो वैल्यू पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, हाँ इसमें बेटा ये गलत हो गया, ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, किसी एक की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो एम वन क्या हो जाएगा, 1.5, ठीक है। V1 तो हमें निकालना ही है, हाँ इसमें एक और पॉइंट है, उसने एक वर्ड लिखा था बेटा, ये पॉइंट्स के कारण ही मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसने उसने एक वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो एक बारी, लिखा हुआ है ये देखो, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर का मतलब है कि दोनों की अब वेलोसिटी सेम होगी कोलिजन होने के बाद, वो जुड़ गए हैं, अब जुड़ गए हैं। जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ये बाइक वाला आ रहा है, ये गाड़ी वाला आ रहा है, ठीक है। कार वाला गाड़ी वाला जब बाइक को टक्कर मारेगा तो क्या होगा, अब दोनों जुड़ गए हैं, अब बाइक की वेलोसिटी भी उतनी हो जाएगी जितनी गाड़ी की वेलोसिटी है, क्योंकि गाड़ी वाला उसे अपनी वेलोसिटी के साथ घसीटता हुआ लेकर जा रहा है, धक्के मारता हुआ लेकर जा रहा है, क्योंकि बाइक गाड़ी को रोक नहीं सकती है, ठीक है। इसलिए गाड़ी वाला क्या कर रहा है, बाइक को अपने साथ ले जा रहा है। अगर गाड़ी 50 की स्पीड से आ रही है तो बाइक भी उसके साथ 50 की स्पीड से जा रही है, क्यों, क्योंकि बाइक कार को रोक नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो डेट मीन्स कोलिजन होने के बाद जहां पे स्टिक टुगेदर वर्ड आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी, टक्कर होने के बाद की वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाती है, जितनी स्पीड से कार आ रही है उतनी स्पीड से बाइक भी जा रही है, क्योंकि गाड़ी ही बाइक को धक्का मार रही है ना, तो गाड़ी वाली स्पीड ही बाइक की स्पीड बन जाएगी। तो एग्जाम्पल समझ आया सबको, ठीक है। तो इस केस में, स्टिक टुगेदर के केस में, v1 इज इक्वल टू v2, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो सेम हो जाती है तो उसको अलग अलग 1-2 करके ना लिखो, सिंपल v लिखो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर v लिखोगे और यहाँ पर भी v लिखोगे, रीजन क्या है, स्टिक टुगेदर है, ये 0-0 नहीं लिखना, तो v1 v2 ये पॉइंट आ गया स्टिक टुगेदर, फिर देयरफॉर इसलिए v1 is equal to v2 is equal to v, तो ये आ जाएगा। अब v1 की जगह भी v लिख दो, v2 की जगह भी v लिख दो, तो इसमें से v कॉमन आ जाएगा, m1 plus m2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, m1 कितना है, 1.5, ठीक है, u कितना है, 2.5, ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा, 1.5, 2.5, क्योंकि इसका माइनस में बाहर ले आया, तो ये दोनों सेम आएंगे, कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 plus m2 into में v is equal to 0। एक मिनट कैमरा सेट कर दो बेटा, into में 0, और फिर v निकालना है मुझे, तो v क्या हो जाएगा, 0 divided by m1 plus m2 is equal to 0। तो देखो v 0 आ गया, v 0 आने का मतलब v1 भी 0 हो गया, v2 भी 0 आ गया, आंसर 0। क्यों 0 आ गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और मास दोनों सेम थे। हाँ, स्टिक टुगेदर वाला कांसेप्ट अपने माइंड में याद रखना, स्टिक टुगेदर का मतलब है कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज होती हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की वो सेम हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे जा रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ आगे जा रहे हैं, ठीक है। और वो आगे कब नहीं जाते, वो वहीं पे खड़े कब हो जाते हैं, वो वहां पे तब खड़े हो जाते हैं जब उनका मास और उनकी वेलोसिटी सेम हो आमने सामने से आ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो आमने सामने ऑपोजिट होने में तो सिर्फ तुमने यहाँ पे माइनस पुट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन में जो मुझे करवाने थे, ठीक है। एक बार मैंने तुम्हें वार्म अप के लिए क्वेश्चन दिया जरूर था, लेकिन डेफिनेटली ये मुझे करवाना था, ओके।
तो ठीक है बेटा, अब हमारा एक पार्ट खत्म हो जाता है इसके अंदर, और इसके बाद थोड़े से नेक्स्ट टाइप पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक का बहुत अच्छे से बेटा रिवाइज करके रखना, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने कुछ कुछ कर लिए हैं। तो ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये समझ आ रहा होगा, और प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बेटा।